जी की जय जय करो करो, जय कर दो बच्चा, जय करो हाथ लगाने भी लगो, मत जय लगा दो बेटा, चलो तो करवा खाओ भला। अरे खा लो जल्दी, में कदम पकड़ूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राज फैमिली व्लॉग्स। एंड आज का जो व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से, और आज ही रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से जो है आप अपना ये जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करें। एंड अभी मैं कुछ कहना चाहती हूँ उनके लिए जो कि उत्तराखंड से हैं एंड मेरे व्लॉग्स वगैरह वॉच करते हैं और काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, देखते हैं वीडियोज़ को। तो जो कि सबसे पहले तो आप सभी देखिए मेरी तरफ से नमस्ते, एंड आशा करूँ चूँकि सब आप बहुत अच्छे से वेला। और जन आप सब ते पते ही कि आज रक्षाबंधन, तो आप सब ते की रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से जो चुके आप पढ़ियो त्यौहार सेलिब्रेट करें, और ज़्यादा नहीं मुंचाणु छो मैं बस इतिए मुंचाणु छो, क्योंकि जो उत्तराखंड बटे ची ऊँ तो समझ में आ चाल गडोली, पर जो बहरा कछी ऊँ समझ में नहीं आती। फिर इले ही जो चुके मैं गडोली में ब्लॉग नहीं बढ़ाती, क्योंकि फिर जो बाकी चीज़ों से नहीं आन समझ, वो भी मेरा ब्लॉग दिखती हैं, तो फिर ऊँ समझ में नहीं आन। और बस यही रीज़न कि मैं जो गडोली में ब्लॉग करा नहीं बढ़ाती, बट एक ब्लॉग बनाया अच्छा मिला। और अभी जब मैं उत्तराखंड जोलूँ तो ज़रूर मैं एक ब्लॉग थे गडोली बनानी बनान च, तो तब आप थे एक पूरा ब्लॉग जो चे गडोली में मिल जालू। तो जब भी मैं घाट जोलूँ तो एक ब्लॉग जो चु तो गडोली में ज़रूर बना लूँ, और बहुत जल्दी वो ब्लॉग आप सब उतरे देखने को मिल लूँ। तो ये कि तगड़ अब कंटिन्यू कर दो हिंदी माँ, क्योंकि बाकी जो दिखना वाला वो बुना वाली के बुनी चाहिए। अभी जो है जैसे कि सुबह का टाइम है, और मैं अभी हम तीनों जो है रेडी हो गए हैं, और यहाँ ना थोड़ी सी बारिश भी हो रही है क्योंकि मौसम ऐसे हो रखा है, हल्की सी बारिश हो रही है। सुबह सुबह मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, और अभी जो है हम कुछ टाइम बाद जो है राखियाँ वगैरह खुद से ही बांध देंगे, क्योंकि इनके लिए तो पार्सल आ गई थी, जो मेरी ननद है उन्होंने राखियाँ भेज दी थी, वहाँ से पोस्ट कर दी थी, तो इनके लिए तो जो राखियाँ हैं वो पहुँच गई हैं। और वो तो काफ़ी दिन पहले ही पहुँच गई थी, मतलब जिस दिल्ली से उन्होंने सेंड करी थी तो वहाँ से तो 3-4 दिन में ही आ गई थी। तो वहाँ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, और जो मैंने राखियाँ भेजी थी वो अभी तक नहीं पहुँची हैं। आज रक्षाबंधन है, अभी तक राखियाँ पहुँची नहीं हैं, 10-12 दिन पहले ही मैंने भेज दी थी। बट वही होता है, टाइम बहुत लगता है, और पता नहीं अब कब तक पहुँचेंगी। अब तो हो गया रक्षाबंधन, बट कोई नहीं, अगर 1-2 दिन बाद भी पहुँचेंगे तो वो फिर पहन लेंगे। अब कर भी क्या सकते हैं, 1 दिन पहले मैंने भेज दी थी यहाँ से कि टाइम से पहुँच जाए, बट वो नहीं पहुँची हैं अभी तक। तो अभी मैंने अब बात भी नहीं की घर में, अभी कॉल करूँगी उन्हें तो पूछूँगी अगर आ गई होंगी, मिल गई होंगी राखियाँ तो सही है। और अभी जो है हम भी थोड़ा बहुत ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेंगे, राखी खुद से पहन लेंगे, तो देखते हैं ऐसे ही खुद से पहन लेंगे राखियाँ, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे चीज़ों को। तो चलिए गाइस, मिलूँगी आपसे थोड़ी देर से। जय करो, जय करो बच्चा, जय करो, हाथ लगाने भी लगो, मत लगा दो, चलो जे जे कदो जे जी कदो जे कदो पहले जे करो, पहले जे करो, जे करो जल्दी। अभी जो है मैं तैयारी कर रही हूँ अभी को राखी पहनाने की, तो मैंने सोचा अभी को ही राखी पहना देती हूँ एक। और ये अभी का सेकंड रक्षाबंधन है, फर्स्ट रक्षाबंधन अभी का तब था जब वो सिर्फ 1 महीने की थी, तो उस टाइम अभी का फर्स्ट रक्षाबंधन था। एंड फर्स्ट रक्षाबंधन में मैंने खुद से अभी के लिए राखी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम ना कोविड का इतना ज़्यादा वो था कि फिर हमें बाहर से हम लेके नहीं आए थे अभी के लिए राखी, तो मैंने खुद से बनाई थी घर पर।
एंड अभी भी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा शैतान है कि वो राखी पहन ही नहीं रही है, मुझे पहनाना ही नहीं है राखी, तो ये देखो कितने ज़्यादा निखरे करी है, बहुत मुश्किल से इसको राखी पहनाई है। एंड उसी टाइम तो जब राखी अभी जैसे ही पहनेगी ना थोड़ी देर बाद, ये कहती है बस इसको निकाल दो। कई बार तो इसने ऐसे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ढीला सा ही बांधा हुआ था, क्योंकि वही होता है बच्चे का थोड़ा सा, मैंने सोचा ढीला सा ही बांधूंगी, बट इसने पहनाने में बहुत ज़्यादा नखरे किए हैं कि मुझे तो राखी पहननी ही नहीं है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी उसको थोड़ा सा डांट के थोड़ा सा वो करके फिर जो है मैंने इसको राखी पहनाई है। एंड ये देखिए कैसे देख रही है, निकालने की पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे मैं इस राखी को बाहर निकालूँ अपने हाथ से। तो बड़ी मुश्किल से राखी पहना दी है अभी को, और अभी जो है हम भी पहन लेंगे अपनी अपनी राखियाँ। अब्बू पापा को दे जरा इनकी से अलग अभी खाण दे उन्हें मैं देखती आ हूँ, दे मम्मी दे को आ दे खा भी क्या चीज था ले हमलेगा ये। तो पापा को भी खिला दो थोड़ा सा, वो पापा को खिला दो है ना, पापा को दे दो ये पापा को। हजार के दिन बाद में बताएं और यहाँ जो है ये भी अपनी राखी कुछ इस तरीके से बांध रहे हैं, कुछ इस तरीके से इनका रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। ये बात। थैंक मम्मी को भी यू। खिला दो, मम्मी को, अबू मम्मी को भी दे दो। अरे और यहाँ जो है मैंने कितनी बार अभी से कहा कि अभी मुझे भी खिला दो, जैसे वो अपने पापा को खिला रही थी, मैंने सोचा एक बार मुझे भी खिला लेगी। एंड यहाँ मैं देखती रह के कि मेरे मुंह में डालेंगे पर उसने क्या क्या है, फिर से अपने पापा को ही खिला दिया। तो उसने मुझे एक ही बार खिलाया, वो भी जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ऐसे बस हाथ डाल दिया मेरे मुंह में कि बस हो गया। ओ तुम रही थी मचा, अबू मैं तभी दे दी मम्मी को अबू। दे दो, मम्मी को, मम्मी को। और यहाँ जो है आप, मैं अपनी राखी खुद से बांधी हूँ, क्योंकि इन दोनों ने तो बांध ली है, और मेरी बारी बची हुई, मेरी राखी रह गई थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी से बांध देती हूँ। तो बस ऐसे रहा हमारा रक्षाबंधन तीनों का। वाह पापा बाबा पापा क्या है पापा 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 बोलो, पापा बोलो अबू, पापा। नहीं, हाँ खोल दी राखी, खोल दी मम्मी की, पहनाओ मम्मी को राखी। और जैसे कि आज रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो अभी जो है मैंने सोचा आज बनाऊंगी मैं साबूदाना वड़ा, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, कि मुझे नहीं, पहले मैंने कभी नहीं बनाया ये। और साबूदाना मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ मार्केट से, इससे पहले मैं कभी लेके भी नहीं आई थी इसको। तो इनको क्या था, मैंने रात को भिगो के रख दिया था, आधा घंटा पहले वैसे भिगोया था, फिर उसके बाद जो है उसका जो पानी था ना, जिस पानी में मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था, उस पानी को मैंने निकाल लिया था, और फिर इसको पूरी रात भर ऐसे रहने दिया था, तो अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए थे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 आलू, आलू जो है वो उबले हुए हैं, इनको मैंने ग्रेट करके डाला है, और साथ ही जो मसाले हैं वो मैंने नॉर्मल मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। और अभी इनका बनाऊंगी मैं एक डो, तो यहाँ जो है डो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं इनकी ना बॉल्स बना रही हूँ, छोटी छोटी सी, तो बॉल्स वैसे हम गोल जो राउंड शेप की होती है उस टाइप की बना सकते हैं, मैं इस टाइप की बना रही हूँ। तो सारी जो जितना भी बैटर है सबको मैं इसी तरीके से जो है बॉल्स बना लूँगी सारे बैटर की, और उसके बाद हम इनको करेंगे फ्राई। एंड जब तक जो है मैं बॉल्स वगैरह बना रही थी तब तक जो है मैंने जो है कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, तो तेल भी जो है साथ साथ गर्म हो रहा था। एंड यहाँ जितने भी जो साबूदाना वड़ा है वो मैंने सारे बना लिए हैं, और अभी बारी है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने सारे जो है तेल में डाल दिए हैं, और
अभी क्या था कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा जल्दी मैंने इनको पलट दिया था, और इनको ना थोड़ा सा और टाइम लगना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अच्छा बने ये ज़रूरी नहीं होता है। तो ये ना चिपक रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, तो वो टूट भी रहे थे, और कुछ कुछ जो है वो सही से बन गए, कुछ कुछ का क्या हो गया कि वो वहीं चूर बूर हो गए तेल में ही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम कुछ ट्राई करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है उनमें, और एक तो पता भी नहीं होता कि किस तरीके से बनना है। और ये देखिए यहाँ मैंने इनको ना अलट पलट के बिल्कुल करकरा सा फ्राई कर दिया है, और काफ़ी टाइम लग गया इनको फ्राई करने में। एंड इसके बाद जो है, जो मेरे पास कुछ एग और भी हैं बचे हुए, तो वो भी मैं डाल दूँगी और इनको भी जो है फ्राई कर दूँगी। और इनको फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड फ्राई हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं, कुछ कुछ तो अच्छे बने हैं, कुछ कुछ जो है जैसे कि मैंने बताया वही वो तेल में ही फट गए थे, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी उसको पलटने में इस वजह से। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।